हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद आरजे। तो आज मैं आप सबके लिए अपने ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो लेकर आई हूँ, अपने ब्लाउज डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है, ये एक साउथ इंडियन साड़ी है, तो ये उसका ब्लाउज है और वो साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। तो इसकी साड़ी थोड़ी साउथ इंडियन टच की है और ऑरेंज कलर की है, तो मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। तो मैंने इसके ब्लाउज के डिज़ाइन आप पीछे देख सकते हैं और ये साइड जिप में है, तो फिर मुझे बहुत पसंद है, साइड जिप और कंफर्टेबल भी लगता है, तो आप देख सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो है गोल्डन वेलवेट। तो ये वेलवेट कपड़ा है, मैंने इसको कपड़ा लेकर सिलवाया था और ये पैडेड ब्लाउज़ है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो मैं अगर कंट्रास्ट लुक क्रिएट करती हूँ तो मैं ये ब्लाउज़ ज़रूर पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मैंने ये काफ़ी सिंपल बनवाया है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गला वाला नहीं बनवाया है, तो मैंने इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि मैं इस पर थोड़ी हैवी साड़ियाँ पहनती हूँ, थोड़ी पैटर्न साड़ियाँ पहनती हूँ। नेक्स्ट ब्लाउज ये है मेरा गोल्डन, ये भी गोल्डन है और इस पर मतलब ट्रांसपेरेंट स्टोन लगे हुए हैं और ये भी साइड जिप का है, तो मुझे साइड जिप के ब्लाउज़ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं और कम्फर्टेबल तो रहते ही रहते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हैवी ब्लाउज़ है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला ब्लाउज़ नहीं पसंद है। मुझे ऐसे सिंपल से ब्लाउज़, थोड़ा सा साड़ी से आउट ब्लाउज़ जो होते हैं, तो मुझे वैसे ब्लाउज़ ज़्यादा पसंद हैं। तो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज़। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये गोल्डन सीक्वेंस का ब्लाउज़ है। ये कपड़ा मैंने 2011 या 12 में मंगवाया था, वो भी दिल्ली से मंगवाया था अपनी फ्रेंड से। उस टाइम ये छोटी सिटीज़ में अवेलेबल ही नहीं था और मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत क्लासी लगता है और इसकी बैक डिज़ाइन आप देख सकते हैं थोड़ी सी डीप है और मुझे बहुत पसंद है ऐसे सिंपल से डिज़ाइन ब्लाउज़ में। और ये नाइट में बहुत अच्छा लगता है, आप किसी रात की पार्टी में हो और ये ब्लाउज़ पहने हो तो एकदम अलग ही लगता है। और ये काफ़ी कॉस्टली कपड़ा था, मैंने कपड़ा मंगवाया था और सिलवाया था, तो मुझे बहुत पसंद है ये ब्लाउज़। तो ये हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन का है। तो ये मेरी एक सैटन सिल्क की साड़ी है, ये उसका ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ पे थोड़ा पैटर्न है तो मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने ब्लाउज़ बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनवाया है और ये भी मेरा साइड जिप का ब्लाउज़ है। आपको ज़्यादातर ब्लाउज़ मेरे साइड जिप के ही देखने को मिलेंगे, तो आप इसकी बेल्ट देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर एक फ़ोटो भी शेयर कर दे रही हूँ इसके साथ। अच्छा, मुझे काफ़ी पसंद है कि मेरे ब्लाउज़ बहुत लेटेस्ट रहें, मुझे बहुत लेटेस्ट ब्लाउज़ बनवाना, उनकी डिज़ाइन बनवाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो भी एक सिल्क की साड़ी का ब्लाउज़ है और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स। तो मैंने फ्रंट में थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन करवा दी है, आप देख सकते हैं। और इसका जो स्लीव है, मतलब नेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं चुभता है, स्किन पर बहुत कम्फर्टेबल रहता है, तो मुझे बहुत पसंद है ये ब्लाउज़। तो मैंने जिस टाइम ये ब्लाउज़ बनवाया था तो ये डिज़ाइन एकदम न्यू आई थी, तो मैंने एक टीवी में देखा था, सीरियल में, तो मैंने बनवाया था उससे इंस्पायर होके, तो मुझे बहुत पसंद है ये ब्लाउज़। तो अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो भी एक साउथ इंडियन साड़ी का ही ब्लाउज़ है और इसका पीछे से गला देख सकते हैं कैसा लग रहा है, और मुझे बहुत पसंद है ये भी ब्लाउज़। काफ़ी सिंपल है, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगता है, तो ये भी एक कंट्रास्ट ब्लाउज़ है, मैंने कपड़ा लेकर ही बनवाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा ब्लाउज़ कौन सा लगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। तो अब जो मेरा ये नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये सैटन का ब्लाउज़ है और ये बोट नेक है, तो मुझे बहुत पसंद है, ये स्लीवलेस है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो है ये यहाँ का सिला नहीं, ये लखनऊ का सिला है, मेरी बेटी रहती है लखनऊ में, तो मैंने उसके थ्रू मंगवाया था। और हाँ गाइस, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने सिल के दिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने सिला भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरी एक हैवी साड़ी है, तो ये उसका ब्लाउज़ है, तो ये ऐसा है, मतलब थोड़ा हैवी ब्लाउज़ है और मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इसके साथ एक मेकअप। और जिन्होंने मेरे पिछले 2-3 वीडियो पे कमेंट किए थे उनको बहुत सारा थैंक यू, और प्लीज़ आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो ये हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये थोड़ा राजस्थानी कपड़ा है, थोड़ा उस टच का है, और ये भी कपड़ा बहुत कॉस्टली था, मैंने इसको कपड़ा लेकर बनवाया था। और ये भी मेरा पैडेड ब्लाउज़ है और इसका आप नेक देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कपड़ा।
तो ये भी हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो ब्लैक वेलवेट ब्लाउज़ है और इस पे आप बटन देख सकते हैं। तो ये भी मेरी एक फ्रेंड ने सिला था, वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं और वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स की हुई हैं, तो बहुत अच्छा सिला था उन्होंने, मुझे बहुत पसंद भी है। और ये भी साइड जिप का ब्लाउज़ है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगता है। और इसका बैक देख सकते हैं, तो बस ये सिंपल सा ब्लाउज़ है एकदम। तो मैं अब आपको अपना नेक्स्ट ब्लाउज़ दिखाने जा रही हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो रेड कलर का है। तो मेरी एक येलो कलर की साड़ी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके साथ फ़ोटो। तो मुझे बहुत पसंद है ये भी ब्लाउज़, और ये भी मतलब बैक में हुक लगा है और आगे से थोड़ा सा नेट वाला है और साइड ज़िप ये भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है साइड ज़िप का ब्लाउज़, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये ब्लैक कलर का है, मतलब ब्लैक और वाइट के चेक हैं इस पे और बहुत अच्छा लगता है। और इस पे मैंगो डिज़ाइन बनी है, मतलब आप इसको पहनेंगे तो पूरा बैक पे मैंगो का शेप बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है इसकी फ्रंट डिज़ाइन, तो इसका फ्रंट में हुक है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्लाउज़। नेक्स्ट ब्लाउज़ ये है, ये मैंने एक सीरियल देखा था, मेरी आशिकी तुमसे है जो आता था, उसमें एक लड़की पहनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, तो मैंने ये जाके बनवाया था। तो उस टाइम जब मैं बनवाई थी तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ से बनवाई, काफ़ी लोगों को मेरे कॉन्टैक्ट में कपड़ा बहुत पसंद आया था। बहुत सिंपल सा, अगर आप किसी प्लेन साड़ी पे पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो ये नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये मेरा ऑर्गेन्जा साड़ी का ब्लाउज़ है। मैंने इसमें मेकअप वीडियो शेयर किया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके मेरे पुराने वीडियोस में देख सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हमेशा की तरह ये भी मेरा साइड जिप का ब्लाउज़ है और बैक पे हुक लगे हुए हैं, सिंपल सा नेक है, स्लीवलेस है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये कॉलर वाला ब्लाउज़ है, तो मुझे कॉलर वाले ब्लाउज़ भी बहुत पसंद है, ये भी साइड जिप का है। तो ये काफ़ी सिंपल ब्लाउज़ है, मुझे सिंपल ब्लाउज़ थोड़े प्रोफेशनल टाइप भी पसंद है, तो ये ब्लाउज़ का कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था, तो उसके विनर मैं जल्द ही आपको बताने वाली हूँ अपने दो वीडियोज़ के बाद, तो आप बने रहिए मेरे वीडियोज़ पे। तो ये भी ब्लाउज़ मेरा हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये शिमर वाला ब्लाउज़ है। तो ये जो मेरा ब्लाउज़ है ये क्वार्टर स्लीव्स का ब्लाउज़ है, तो मुझे ऐसे ब्लाउज़ भी बहुत पसंद है और इसका जो बैक है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को इसकी बैक डिज़ाइन दिखा देती हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी बैक डिज़ाइन, तो बहुत अच्छा लगता है ये बैक पे, और ये बीच में ऐसे सर्कल बना हुआ है तो बहुत प्यारा लगता है ये वाला। तो गाइस, मैं आप लोगों को इसमें सारे ब्लाउज़ नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मुझे इसका भी पार्ट टू करना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो अब ये है मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़, ये एक मेरी ब्लू कलर की साड़ी है, नेवी ब्लू, तो ये उसका ब्लाउज़ है, बहुत अच्छी साड़ी है वो, मैं उसके साथ भी मेकअप वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वो साड़ी जैकलिन फर्नांडेज़ ने एक अवार्ड शो में पहना था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो, तो मैंने एक रिप्लाई का साइट पे देखा और मंगवा लिया। तो अब जो ये मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये एक मेरी चेरी जेट कलर की साड़ी है, उसका ब्लाउज़ है और इस पे धागे की कढ़ाई हुई है और ये कढ़ाई अंदर से हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये डन। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये मेरा पिंक कलर का ब्लाउज़ है और मेरी एक साड़ी थी नेट की, ये उसका ब्लाउज़ है। तो ये भी ब्लाउज़ मेरा यहाँ का सिला नहीं है, ये दिल्ली का सिला है, तो मेरी एक फ्रेंड रहती थी दिल्ली में, तो मैंने उसके थ्रू मंगवाया था, ये वो लेकर आई थी सिलवा के, तो ये बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आप देख सकते हैं।
अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लाउज है, ये मेरी काफ़ी ओल्ड साड़ी थी सिल्क की, ब्लैक सिल्क, ये उसका ब्लाउज है, पर ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये ब्लाउज रखा हुआ है। ये काफ़ी पुराना भी है तो आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। और ये भी मेरा ब्लाउज है, ये कॉटन की साड़ी पे आप पहन सकते हैं। इस पे जो कढ़ाई है ये चिकन की कढ़ाई है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल ब्लाउज है, गर्मी में तो बहुत कंफर्टेबल है। गाइस, तो कुछ टाइम बाद मैं अपना पार्ट टू लेकर आऊँगी, तो ये मेरे कुछ ही ब्लाउज थे, अभी और हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ये मेरे कुछ कपड़े रखे हैं जो भी सिलवाने हैं। तो ये था मेरा वीडियो आज का, ब्लाउज़ कलेक्शन एंड देयर डिज़ाइन।